विदिशा में लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग के ऐसे वेयरहाउस में ट्रांसफार्मर चार्जिंग की मंजूरी के लिए 15,000 की रिश्वत इंजीनियर के द्वारा ली गई। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बुधवार देर रात सांची रोड स्थित पेट पूजा होटल के सामने बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संपूर्णानंद शुक्ला को लोकायुक्त भोपाल पुलिस द्वारा 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त निरीक्षक रजनी तिवारी ने बताया कि फरियादी द्वारा विद्युत विभाग में वेयरहाउस के लिए ट्रांसफार्मर चार्जिंग की मंजूरी के लिए 15,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। बाद में फरियादी द्वारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को 15,000 दिए गए, तभी लोकायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए ऐसा है कि हमारे माननीय CM साहब इतने ईमानदार हैं और हफ्ते में 2 बार विदिशा आते हैं, इसके बावजूद भी उस ज़िले में अधिकारी कुछ ऐसे आ जाते हैं कि भ्रष्टाचार से नीचे बात नहीं करते। मेरा एक वेयरहाउस बन रहा है जिसमें लाइट लगना थी और लाइट मैंने कानूनन सारी औपचारिकताएं पूरी करके मैंने कानूनन लाइट लगवाई और पास हुई वो, लेकिन उसकी चार्जिंग परमिशन विदिशा से होती है। कोई भी ट्रांसफार्मर में बिजली दौड़ाने के लिए उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैं पिछले 7 रोज से चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन मिल रहे थे। और फिर मैं ये नए AC साहब आए, मैंने इनसे निवेदन किया तो इन्होंने मुझे फिर दूसरे दिन अपने ऑफिस में बुलाया। अकेले में बोले कि भाई देखो, मैं राजगढ़ में 30,000 रुपये लेता था इस काम के, तो मुझे 15,000 रुपये दे देना। तो मैंने कहा साहब, मेरा पूरा 1 नंबर का काम है, मैं पैसे क्यों दूँ? तो कह ले फिर जाइए आप। ये मुझसे थोड़े अच्छे भी नहीं बोले, इनकी भाषा थोड़ी अभद्र टाइप की थी। मैंने अपना परिचय भी दिया, मैंने MD साहब का भी बताया, तो कह लगे फिर आप MD साहब के चले जाइए। ये मामला ये है कि गंजबासोदा क्षेत्र के रहने वाले जफर कुरैशी जी, इन्होंने 14 तारीख को एक एप्लीकेशन दिया था कि विदिशा में जो अपना मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के जो SE हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये उनसे उनके वेयर हाउस के लिए चार्जिंग परमिशन के लिए करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की थी SP लोकायुक्त महोदय को और इसका वेरिफिकेशन कराया गया। सत्यापन में जब ये जांच मतलब ये शिकायत सही पाई गई तो फिर आज दिनांक को इनका जो कार्रवाई की गई है इनके ऊपर 15,000 रुपये की रिश्वत राशि उन्होंने पेट पूजा होटल के सामने ये जफर कुरैशी जी से ली थी। जैसे ही रिश्वत राशि ली, इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई अभी चल रही है। रिश्वत राशि जो है आवेदक हमेशा उनको देते हैं, आरोपी को। आरोपी ने लिया, उसको जेब में रखा और उसके फिर अपने ड्राइवर को दे दिया था उन्होंने। ये कार्रवाई कब तक कंप्लीट होगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग 2 घंटे तो अभी आप मान के चलिए। ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है अधीक्षण यंत्री विदिशा में आपके मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के विदिशा अहमदपुर ऑफिस में। नाम क्या? श्री संपूर्णानंद शुक्ला जी, सॉरी। जानकारी के अनुसार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संपूर्णानंद शुक्ला 7 दिन पहले ही विदिशा स्थानांतरित होकर पदस्थ हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, विदिशा। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP News के साथ।